रुक जाओ। माहम हुआ। तो इसके लिए यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है। हाँ तो भाइयों कैसे, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। यार काफ़ी अरसे बाद गेम प्ले अपलोड कर रहा हूँ। कुछ भाइयों ने पिछले मतलब महीने पहले एक वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि भाई एक गेम प्ले अपलोड करो, तो यार इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आज से गेम प्ले अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा डेली। तो यार इस वीडियो में हम खेलने वाले थे लिविक, और यह गेम प्ले भाई बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें जो मेरा टीम मेट था नंबर 4, इसका नेट जो था बहुत ही ख़राब चल रहा था और हम उससे मतलब खिल चुराते थे। तो यार ये उसको बहुत मतलब उस पर यार वो बहुत गुस्सा कर देता है। तो यार शुरू करने से पहले लाइक करो, कमेंट करो एंड यार सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यार हम यहाँ पर आ गए मिडस्टीन में, जैसे हम लैंड हुए मुझे मिली यहाँ पर SKS। तो SKS के बाद यार मैं इधर उधर देख रहा था कि कोई बंदा आया कि नहीं, तो यार आगे मुझे एक बंदा दिखा। तो मैंने यार सबसे पहले ट्राई किया इसको नॉक करने का और माशाल्लाह मैं कामयाब भी हो गया इसको नॉक करने में। तो फाइनली इसको नॉक करने के बाद साइड से मुझे नॉक किया पीएम मलिक साहब ने। पीएम मलिक साहब मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिकटॉक ने मुझे यहाँ पर नॉक कर दिया। तो नॉक करने के बाद मैंने अपने टीममेट से कहा कि भाई इधर मत आ, वो तुम्हें भी नॉक कर देगा, मैं उधर आ रहा हूँ, तो मुझे रिवाइव दे दो। तो रिवाइव होने के बाद देखो मैंने उस प्राइम मिनिस्टर साहब की क्या हालत की है। तो रिवाइव होने के बाद यार मैं अपने लिए मेट किट ढूंढ रहा था, तो यहाँ पर यार सक्सेसफुल हो गया मैं सर्च करने में, मुझे यहाँ पर मिल गया फर्स्ट एड। तो यहाँ पर मैंने जैसे देखा कि बंदा पीक कर रहा है, तो मैंने सोचा यार मैं राइट पीक इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि फिर वो मुझे मारूंगा, तो मैंने लेफ्ट पीक किया और मैंने इसको नॉक कर दिया। तो नॉक करने के बाद मेरे टीममेट ने कहा कि चलो भाई रश कर दिया, मैंने कहा रश नहीं भाई इधर दूसरा बंदा है, तो मैंने उस पर फायर किया लेकिन मेरे टीममेट ने उसको नॉक कर दिया। तो मैंने कहा भाई रश नहीं करेंगे, हम पहले ऊपर जाएंगे क्योंकि इधर दूसरा बंदा भी है जो कि मेरे पास इधर फुट स्टेप आना है। तो मैं सीधा गया छत पर, तो यार मैं छत पे जाने वाले तो मेरे टीममेट ने कहा कि भाई इधर बंदा है, तो मैं जैसे इधर आ गया तो मुझे बंदा स्पॉट हो क्योंकि उसने मेरे टीममेट को नॉक किया और मैंने उसको नॉक किया, तो वो निकला प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिकटॉक। तो मैंने उसको नॉक कर दिया और मैंने उसको फिनिश करना सही समझा, तो मैं यहाँ पर नीचे आ गया लेकिन मेरे टीममेट ने मेरे से पहले उसको फिनिश कर दिया। तो यार यहाँ पर जो मैंने आगे दो बंदे नॉक किए थे वो अब यहाँ पर रिवाइव हो चुके थे और यहाँ पर मुझे मिली थी स्कारेल। तो मेरे टीममेट ने कहा चलो यार सीधा ऊपर चढ़ते, मैंने कहा भाई सीधा ऊपर इसलिए नहीं चढ़ेंगे क्योंकि यार उन लोग के पास एडवांटेज है, कवर है और हम जब आगे जाएंगे ना तो वो हमें नॉक कर देंगे। तो मैंने कहा भाई हम यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करेंगे, तो वो ट्रिक इस तरह की कि हमारा एक टीममेट आगे जाएगा, हम उसको पीछे से कवर देंगे। तो यहाँ पर गए तो उनका एक बंदा कूद जाता है और मेरा टीममेट मिस्टर बीस्ट उसको नॉक कर देता है। तब यहाँ पर मैंने अपने टीममेट से कहा कि चलो अब उन पर हम रश करेंगे, तो रश से पहले यार पहले हम उनको सपोर्ट करेंगे कि वो कहाँ कहाँ पर है। तो यार एक बंदा था यहाँ पर जो कि ऊपर के ऊपर था, मतलब ये पहला छत है ना उसके दूसरे छत पे था। तो मेरा टीममेट नंबर 2 पर चला गया, मैंने अपने टीममेट से कहा कि भाई पहले छत जो है वो खाली है, चलो आ जाओ ऊपर। तो यार हम इधर सर्च कर रहे थे ना वो बंदा कैसे गेम कर रहा हूँ, तो यार जैसे हम लोग इधर देख रहे थे बंदा नहीं, जैसे मेरा टीममेट ऊपर चला गया उसने सीधा उसको वहाँ पर फिनिश कर दिया SD King साहब को। तो यहाँ पर मैंने अपने टीम मेट से कहा मिस्टर बीसेज के चलो यार इधर बाइक कड़ी हम लोग आगे जाएंगे, आगे गाड़ी ढूंढने के फिर सब एक साथ जाएंगे। तो जिससे हम यहाँ से गुजरे थे यहाँ पर बंदे थे जिन्होंने हम पर फायर किया, तो फायर करने के बाद हम यहाँ पर रुक गए। मैंने टीम मेट से कहा कि भाई अभी फाइट नहीं लेंगे, हम सिर्फ उनको सपोर्ट करेंगे। तो मिस्टर बीस्ट ने आगे जो हमारे दो बंदे मिड स्ट्रीम में थे उनसे कहा कि भाई इधर बंदे हैं उन पर रश कर लो, तो वहाँ से आ गए उन पर रश किया और हम लोग इधर मतलब इधर TPP लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन इधर भाई रेड जोन था जो कि मैंने यहाँ पर अपना आईडी ड्रॉप कर दिया और मैं सीधा नीचे चला गया। तो यार रेड जोन ख़त्म होने के बाद यहाँ से कुछ फायर की आवाज़ आई थी, तो मैंने अपने टीममेट से कहा कि चलो यार हम राइट से फ्लैंक करेंगे, वो लोग वैसे भी उधर उनको मतलब नॉक कर चुके हैं। तो हम यहाँ से मतलब उन पर रश करने वाले थे, तो मैंने सोचा इधर बंदे उनके दो बंदे नॉक किए, तो एक बंदा यहाँ पर था जिसको मैंने फिनिश कर दिया। एक तो यार वो मुझे सही से दिख नहीं रहा था लेकिन बस उसको गोली लग गई और वो फिनिश हो गया। तो फिनिश होने के बाद मैं इधर आ गया,
इधर आने के बाद अब यहाँ पर सही सीन शुरू होते हैं। इधर उधर घूम रहा था मैंने दा खबर है आज ही बात खबर तो यार डैमेज कर दिया लेकिन मैंने उसको किल कर दिया। और अब सुनो क्या हुआ यहाँ पर डैमेज ये मिस को नुटा तो रुके भैया थे। तो यार हम आपस में जो बोल रहे थे हम अपनी जुबान पश्तो में बोल रहे थे तो यार ये कह रहा था कि भाई यार ये मजाक हो रहा है। हाँ मेरा नेट काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बोट भी तुम लोग मारो। यार ये बहुत मतलब गुस्सा कर रहा था गेम में आगे खुद देखो यार क्या क्या सीन करते हैं ये बंदा। तो यार पर अब मैं लूट रहा था क्रेट के अचानक मेरे पे आगे से फायर होते हैं मतलब मेरे राइट साइड से फायर होते हैं तो मैं डायरेक्ट कवर में आ जाता हूँ और मैं पहले स्पॉट करता हूँ बंदे को तो मुझे स्पॉट हो जाता है और मैं उसको नॉक कर देता हूँ। तो नॉक करने के बाद मेरा टीममेट मिस्टर रूबी जिसको हमेशा क्रश करने की पड़ी होती है तो आगे जाते हैं। मैंने उससे कहा कि भाई एक बंदा नॉक है ठीक है और कोई बंदे हैं उधर के नहीं वो कहते हैं इधर बंदे हैं। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ अभी रश नहीं कर रहा। तो उसने कहा मैं अभी कवर ले रहा हूँ आगे से फुट स्टेप आ रहे तीन बंदों के एक नॉक था और दो बंदे जो थे फुट स्टेप दे रहे थे ठीक है। तो मैं उधर चला जाता हूँ तो इधर आने के बाद तो वहाँ पर एक बंदा मुझे ये बंदा उधर मेरे टीममेट के साथ और मैंने उसको नॉक कर दिया। अब यहाँ पर रिटर्न को मैंने एक हेड दे दिया बट मैंने सीधा आगे जाके छलांग लगाई और वो बंदा कवर कर रहा था भाई एक हेड तो पड़ी थी उसके बाद ही दोस्त फिर दो तीन गोलियाँ लग गई और वो टपक गया। तो यहाँ पर हमारा वक्त है छह खेल तो इसमें मैंने ज़्यादा खेल नहीं किया लेकिन ये गेम प्ले मार्क द लोकेशन मतलब मज़ेदार गेम प्ले है ठीक है। तो यहाँ पर आगे फिर से मतलब दो बंदे होते हैं तो यार मैं ट्राई तो कर लेता हूँ उसको मतलब मार्क द लोकेशन डैमेज दसी है। मैंने कहा कि आगे दो बंदे हैं तो मैं यहाँ पर एनिमीज अहेड ट्राई करता हूँ लेकिन नहीं हो पाता मेरे से। तो यार एक को तो उसने नॉक कर दिया। अब दूसरा बार उसको फायर किया उधर से नंबर टू ने उसको किल कर दिया। तो यार यहाँ पर इन दोनों को मारने के बाद अब रह जाते हैं यहाँ पर छः बंदे चार हमें और दो बंदे मतलब हो रहे हैं। तो आगे देखो हाय अरे तो यार ये दो और हो गया बस। हाँ तो मेरा टीममेट यहाँ पर जो फायरिंग करता है वो मतलब वो करता है यार उसको ये मजा आते हैं बस घूम रहा होते हैं ओपन फील्ड में फायर करता है। तो यार इसके थे नहीं खेल ठीक है खेल नहीं थे तो वो पहले से ही गुस्सा था ऊपर से उसका इंटरनेट भी जो था ना सही से नहीं चल रहा था। तो वो यार उसको कहता है यार ये क्या कर रहे हो क्यों फायर कर रहे हो मतलब बस वो गुस्से में था बस कुछ भी बोल रहा था ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उस एक नेट किया मैंने उंगली की ठीक है कि वो भी फिर कुछ करेगा तो उसने कुछ नहीं किया यहाँ पर। तो यहाँ पर उसको एक बंदा स्पॉट हो गया तो मेरा टीममेट जो है नंबर थ्री उसने रश कर दिया। रश करने के बाद मेरा नंबर टू टीममेट नॉक हो गया और उसको फिनिश भी कर दिया भाई। तो मुझे पता चल गया कि बंदे तो मैं इधर आगे आ गया रहा था कि भाई बंदा कहाँ पर मैंने पहले इस साइड पर देख लिया फिर मैंने जब उस साइड पर मैं जा रहा था लेकिन मेरे टीममेट ने उसको नॉक कर दिया और यहाँ पर मुझे बंदा दे दिया एक बार इधर आ रहा था तो मैं सीधा अंदर चला गया अंदर मतलब इधर चुप गया नहीं था वो उधर छत पे था। तो छत पे जाने के बाद मेरे उसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया मैं सीधा पीछे आ गया और मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं नेट करूँगा तो मेरे टीममेट ने उसको दिया और नेड मेरे पास